कैसी यूनियन चला रहे तुम, हमारा बस का भाड़ा बढ़ गया, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो मीटिंग की मीटिंग में तय हुआ करने लगी, वो लड़ाई भूल गया है, वो लड़ाई भूल गया है, लेकिन आपकी तादा देख के फिर से एक बार लगने लगा है कि रिक्शा वाले की लड़ाई होएगी, अच्छे ढंग से होएगी, और वो भिवंडी के अंदर जो बदलाव हमको चाहिए वो लाएगी। सब लोग शेर बोले तो मेरे को एक ही शेर आता है, वही मैं बोलता हूं, याद रहते भी। हमारी हालत जो है, जो अभी है, वो हालत के वजह से हम लोग ऐसा सोच रहे। उस शेर के अंदर लिखा है कि ना जाने बादलों में क्या क्या साजिश हुई, ना जाने बादलों में क्या क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर पे ही बारिश हुई। हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सारे जितने डंडे चल रहे रिक्शा वाले पे ही चल रहे, आले पे ही चल रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं दिखता है छोटू सा है, मैं तो कोई भी दम लेके चला जाता है यार। एक दिन मैं घर से कार लेके निकला, फोन लगा हुआ था, और बोलते बोलते मैं भूल गया है थोड़ा सा टच बाइक वाले को, हो गए डंडे लगा। फिर मैंने कार निकाला, बाहर मुंडी निकाला, तो वो मेरे को पहचानता था तो छोड़ दिया। तो बाद में मैं सोचने लगा, अगर ये पहचानता नहीं होता तो कान में से निकाल के दे देता। तो आपको मैं बता दूं, जो गरीब है, जो सहन कर सकता है, उस पे ही अन्याय किया जाता है, ये रूल है, ये रूल है। और आप लोग गरीब है, लाचार है, ऐसा व्यवहार कर रहे इसके ऊपर, इसके लिए आपके ऊपर डंडे चल रहे। आप अगर बार बार रस्ते पे आएंगे, बार बार रस्ते पे आएंगे, तो सारे बोलेंगे यार ये रिक्शा वाले इकट्ठा हो गए, इनके नाक में लगने का नहीं, ये रूल है, ये रूल दिमाग में बिठाओ, ये रूल दिमाग में बिठाओ। कोई एक आदमी जादू की छड़ी लेके कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, देश आजाद है हमारा। और उस आजादी में इस संविधान ने हमको लड़ने का अधिकार दिया है। संविधान में यह भी लिखा है, अगर तुम कोई पार्टी में नहीं जा सकते तो तुम इकट्ठा आके एक दबाव घट तैयार करो, सरकार के ऊपर दबाव तैयार करने के लिए कोई पार्टी में जाने की जरूरत नहीं। आप इकट्ठा आके सरकार पे दबाव तैयार कर सकते हैं, इकाई बना के सर कर सकते हैं, ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है। लेकिन हम लोग इकट्ठा आते ही क्या नहीं आते, आते ही क्या, एक लाइन रहती है, रोज उस लाइन से हम चलते हैं, फिर भी सोचते दो रिक्शा आगे कैसा चला जाए, सोचते कि नहीं सोचते, वो दो रिक्शा आगे चले जाएंगे और भाड़ा मिलेगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा क्या, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के आगे जाने के चक्कर में हम ये नहीं सोच रहे, अगर साथ मिल के गए तो सारे आगे चले जाएंगे, ये नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे। और इसलिए रिक्शा वालों के अंदर इकाई नहीं है, ये जब उनके ध्यान में आया तो आप पे डंडे चलाना चालू कर दिया, और डंडे चलाते चलाते आपकी लाल हो गई, फिर भी आप आवाज नहीं कर रहे हैं, कर रहे क्या, नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे। खाली चाय पीते समय आपस में किधर, हाँ ये एक अड्डा है तुम्हारा, ये यहाँ पे कुछ रिक्शा वाले चाय पीते बैठते, तू इस तरह बैठ, मेरे को लोग पीते भी जाए, तो वो चाय पीते पीते हम लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी पीते, अरे ये सरकार मादर जो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसकी माँ की, उसकी बहन की, ये करते रहते। लेकिन सही जगह पे जहां जोर लगाने का है,
वहां पे हम लोग नहीं लगाते हैं। कितनी परमिट है? परमिट कितनी है? पहले 11,000 थी, अभी छोड़े। ऐसा पकड़ के चलो कि 40,000 लोग रिक्शा चलाते हैं दिन और रात में। उतने होंगे कि नहीं होंगे? उतने बिल्कुल होंगे। कितने जमा हुए यहाँ पे? कितने जमा हो गए? ये हम लोग जो जमा हुए, 1,000 भी नहीं है बराबर, पूरे 1,000 भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? बाकी लोग क्या सोचते हैं? दो तीन टाइप का सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अरे उन लोग कर रहे हैं ना, अगर कुछ हुआ तो उसका फायदा हमको मिल जाएगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं? अरे तुम कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा भी सोचते हैं, तुम कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मेरे भाषण में वो बात बोलता ही बोलता हूं। भिवंडी में ज्यादा बात होती है। क्या बात होती है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। बोलते कि नहीं बोलते तुम लोग? तुमको उम्मीद है ना? उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है कि रिक्शा चलाते चलाते उमनी ले लेंगे? उम्मीद है कि नहीं? रिक्शा चलाते चलाते उमनी ले लेंगे, उमनी लेते लेते बड़ी गाड़ी ले लेंगे, फिर जरा बड़े एक गाड़ी लेते लेते दो लेंगे, चार लेंगे, फिर बड़ा घर बनाएंगे, बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। ये उम्मीद है कि नहीं है? अगर किसी के अंदर उम्मीद नहीं है तो उसको जिंदा आदमी समझ सकते क्या? नहीं, वो मरा हुआ ही है। मर गया। तो अगर तुमको उम्मीद ही नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। टोरेंट के मामले में भी, अरे टोरेंट का कुछ नहीं होता। अरे तुम कुछ करेंगे तो होगा ना? कुछ करेंगे तो होगा ना? कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होएगा क्या? इसलिए अपने दिमाग में जो बिठा के रखा है आप लोगों ने, कुछ नहीं होता। अभी क्या करेंगे मालूम है क्या? आप लोग अभी बहुत सारे आए, आप लोगों का आवाज आ रहे थे पीछे कि खाली सर रखने के लिए आए, पूजा बनाने के लिए आ गए। हमको आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, कुछ लोग हाजिरी लगाने के लिए आते। ए मैं आया था, ऐसा मत करो। क्या बोल रहे? सुनो, तो ये जो जाएगा 15 रुपए वो तारीख से बना दो, और आप लोगों को तो 15 रुपए चाहिए था। कौन बढ़ाए, कौन आईलैंड किया, खड्डे में जान दो साला। हमारा 15 रुपए आपको मिल गया। हमारा एक आंदोलन म्युनिसिपैलिटी में चल रहा था, मुझे फोन आया, बोले शिवाजी चौक में लफड़ा हुआ है, आप आ जाओ। मैं रिक्शा वाला बोल रहा हूँ, बोले वहां का नेता होगा। मैं गाड़ी निकाला, शिवाजी चौक में गया तो रिक्शे के आगे ऐसा पार्किंग करने लगा, तो मेरे को क्या बोलता है? ए इधर गाड़ी मत लगा दे, चल आगे ले। रिक्शा वाला मेरे को बोलता, तो मैंने गाड़ी आगे ली। भाई मैं छोटा हूँ, कोई भी दे सकता है, मैं नाम में लगता नहीं। फिर गाड़ी में से उतर के मैं रिक्शे उसको ही जानबूझ कर पूछा, कहाँ लफड़ा हुआ? इधर लफड़ा हुआ करके फोन हुआ। बोले आप ही है क्या? बोले अभी भी मैं रिक्शे से घर से आता हूँ, वही रिक्शा वाला सलाम तो करता है ही नहीं, वो अपेक्षा भी नहीं, तुम लोग खाली वापस के ही ले लो हमको। लेकिन कोई भी रिक्शा वाला बोलता आगे बैठो, तो मेरे को लगता है साला ये क्या बोलने का अभी, वो मेरी गलती है, मेरे को नहीं पहचानता हूँ। आगे बैठ के आता हूँ और पैसा देता हूँ 15 रुपए, 15 रुपए बिल्कुल देता हूँ। पहचान वाला रहें दो, बिगर पहचान वाला रहें दो, मैं देता हूँ बिल्कुल। ये जो आपकी मानसिकता है, जो मिल रहा है उसको लूटो, नहीं तो गाली देते बैठो, ये मानसिकता से आपको बाहर आना पड़ेगा, पड़ेगा। जो मेरे खिलाफ में थे उस टाइम में 15 रुपए वाले, इसमें उन्होंने मेरे नाम से लेटर भी दिया है, दूसरे महासंघ ने डीसीपी को जाके लेटर दिया, इसको अरेस्ट करो बोले। तो डीसीपी बोला पहले मारामारी करो फिर अरेस्ट करते, हमारा काम मारामारी के बाद अरेस्ट करो, ऐसा अरेस्ट नहीं करेंगे। उनको भगा दिया जो दूसरे महासंघ वाले थे, क्योंकि तुम्हारे सामने तो बोल नहीं पा रहे थे विरोध करने का, क्योंकि तुम्हारे सामने बोलेंगे तो तुम देंगे उनको,
इसलिए वो पुलिस को डीसीपी को जाके मिले और बोले अनलगेल तरीके से 15 रुपए बढ़ाया। महासंघ वाले बोल रहे, रिक्शा का काम करने वाले ही लोग बोल। मुझे एक उस दरमियान एक फोन आया लेडीज का, बोले मैं मंडे में रहती हूँ और मैं आंचूर फाटा में काम करती हूँ, तो मेरे को 15-15 रुपए दो बार देना पड़ता है, फिर आते हुए 15-15 रुपए देना पड़ता है और मेरे को पगार बहुत कम है। तो ये तुमने गलत किया, ये तुमने 15 रुपए करके गलत किया। तो मैंने उसको पूछा कहाँ काम करती है, बोले ऐसे ऐसे गोडाउन में काम कर रहे। तो मैंने और पूछा उसको कि पगार कितना ले रही है, तो बोले 12,000 पगार मुझे है। तो मैंने उसको बोला कि तेरे को 22,000 पगार चाहिए, तू 12,000 में काम कर रही है, तेरा मालिक तेरा खून चूस रहा है, उसको कुछ नहीं बोल रहा है, पार 10 का 15 कर दिया तो तुम क्यों चलाने लगे। तो मैंने उसको बोला तेरे जैसे सारे लोगों को तैयार कर, तेरी भी लड़ाई हम लड़ेंगे, तेरे को 22,000 पगार दे। किसी ने तो चढ़ा के फोन करवाया था, मंडे से आया किसी ने तो चढ़ा के फोन किया हो। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, अगर आप लड़ाई में नहीं आते हैं फिर भी आप मरे हुए हैं, ऐसा ही मतलब निकलता है, क्योंकि आप सहन कर रहे हो, सहन कर रहे हो। हमारे नेता लोग कुछ नहीं समझता, कभी कभी कानून रद्द हो जाता है उसके बाद लेटर जाके देते हैं, कानून रद्द करो। इसको पता है 50 रुपए वाला दिन का 50 रुपए वाला मालूम है कि नहीं? पासिंग के टाइम में अगर फिटनेस लेट देते तो एक दिन का 50 रुपए वो रद्द हो गया। उसके बाद भिवंडी के लीडर गए रद्द करो करके, रिक्शा वाले लीडर। तो आपको ये भी समझना है कि हमारा कौन पराया कौन, ये भी समझना है। अगर तुमसे प्यार होता, तुमसे प्यार होता तो लड़ाई में वो उतरते ना। दक्कन की राह देखने की जरूरत क्या थी, महाराष्ट्र हुआ दक्कन वाहतूक संगठन की राह देखने की जरूरत क्या थी। हम लोग ये चीज 4 महीने से सोच रहे हैं, लेकिन मेरे को खुद को, आप में से मेरे को जो पहचानते होंगे उनको पता है मैं रस्ते पे रहता हूं। ये तो मैं कुछ दिनों के बाद इसका 7-12 महीने मेरे नाम पे करने वाला हूं।